छान के करायान किया। अरते नर जम पर जाएंगे सत भास्या समाज पर अंधकारमय संकट उमड़ान पड़ता है, तब तब कोई ना कोई महापुरुष मानव रूप में आकर उस देश या समाज का उत्थान करता है। यह नियम आदिकाल से चला आया है। जैसे कि आज से करीब 600 साल पहले जब ढोंगी रूढ़िवादियों का बोलबाला बढ़ा, तो परम पावनी पौराणिक नगरी काशी वाराणसी के समीप माडर गांव, जिसे आज मडुवटी कहते हैं, जहां की कुटवांडला चंवरवंशी हरिनंदन चित्रकौर के पुत्र राहु जी की धर्म पत्नी कर्माबाई ने माघ पूर्णिमा रविवार ईस्वी सन 1414 में एक भक्त पुत्र रत्न को जन्म दिया, जो कि रविवार के दिन जन्म होने के कारण बालक का नाम रविदास रखा गया। कहते हैं जिस कुल में एक भक्त पुत्र रत्न पैदा हो जाए तो वह माता पिता धन्य है, वह समाज धन्य है, जिसके प्रभाव से पितृ भी स्वर्ग में आनंदित होकर नृत्य करते हैं। अरे आस था किया सन प्या बैठे पालती लगा, ए
साथ की है असलिया जो सामने आ रखी सुहाय कर्म की कटवाती है गंगा जी में रोजैया सन प्यार बैठे पाल की लगा सत्य की है तिलिया तो सामने रखी सुहाय कर्म की कठवाती है गंगा जी में दूध साधना की साथ लाया यारा धन के लहया कर्तव्य की कतन्नी सटा के टाके प्याज जात क्रिया की कार धराती मैं तीखी राखे धा आत्मिकता की ओर बढ़ा। 9 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की भक्ति का गहरा रंग चढ़ गया। साधुओं संतों के प्रति बड़े उदार बन गए। सांसारिक कार्य कलापों को देखते हुए रविदास जी के पिता श्री राहु जी ने लौना नाम की कन्या से छोटी ही उम्र में विवाह कर दिया, लेकिन भक्ति भाव का परिवर्तन नहीं हुआ। कर्मा माता के दुलारे राहु जी के प्यारे लाल नाती हरिनंदन के हाँ चमर वंशी खुशहाल साथी माडुर के वासी रविदास रखियो ख्याल कर्म के पुजारी गुरु ज्ञान को भर भंडार पढ़वे ना विद्यालय गए बन गए कवि जुहार कैयक भाषा को ज्ञान कर गए हैं पतैयार जग गावे मैं गाऊं बोले राम हे सतगुरु ज्ञान गुनया कर संध्या वजा कर धाम गुरु जी मैं तो आपके चरण मनाऊं गुरु जी मैं तो पाए हो कलेश लेकिन भटके न कभी सत्य दिया वो प्रदेश दिखावा ना किया कछु लाल की ना रखो भेस भूली है समाज आज अनगिनते है मिजाज ये भूली है समाज आज अनगिनते है मिजाज नैया के खेवैया गुरु बिगड़े बना दो काज और राम चरण रघुवर आनंद रखोला चरणों में पुष्प चढ़ाऊं
रविदास जी की भक्ति भावना और जागी। ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ महीने की अमावस को बड़ी पर्वी पड़ी। गंगा जी में भारी मेला भरने जा रहा था। रविदास जी अपने माता पिता से आज्ञा लेकर गंगा स्नान करने गए। जब घाट पर पहुंचे सुरसरी माँ गंगा की लहरें देखकर उनका मन मयूर नाच उठा। स्नान करने लगे, गाने और गुनगुनाने लगे। तारत हो परिवार गंगा मैया, तारत हो संसार गंगा मैया, तारत हो परिवार गंगा मैया, तारत हो संसार। ए देख रूप विराट विष्णु के विधि लय पाँव पखा, मंडल में चरणों तक महमाया दावे अपार गंगा मैया, तारत हो संसार गंगा मैया, तारत हो संसार गंगा मैया। एक कपिल तेज से सगर पोत्र जो साठ सहस भय कपिल तेज प्यास सगर पोत्र जो साठ सहस भय चार, जिन्हें तारन भागी रतन लैके तपस्या महेश सीत पर फिर पृथ्वी पिता, बारह बरस था महेश सीत पर फिर पृथ्वी पिता, कलेश हारनी तरन तारनी देखा कि बालक नहा रहा है और बड़ी ज्ञान ध्यान की बातें भी बताए जा रहा है। हो ना हो इससे पूछा जाए कि कहां से आया है। विप्र समूह रविदास जी से कहते हैं, बालक सत्य सत्य बताना, आप कौन हैं और कहां से आए हैं। गंगा तपर भी खेलान भजन भाव में दीवान, कहो कुमार तुम आए कहाँ से, गंगा तपर भी खेलान भजन भाव में दीवान। कौन तुम्हारे बाप मतारी, जन्म भूमि है कहाँ तुम्हारी, जात वर्ण समझा दो सारी।
का है नाम पुर कौन बंस के हम तो सुनवे अकुलाने भजन भाव में दीवाने कहो कुमार तुम आए कहाँ से गंगा सफर वे के लाने भजन भाव में दीवाने रविदास बोले शरनाई राहु पिता माँ कर्मा बाई माडुर जन्म भूम कहलाई हे रविदास है नाम है हमारा चमर वंश में गुजराने भजन भाव में दीवाने आए कहाँ से गंगा सफर वे के लाने भजन भाव में दीवाने हे चर्मकार हैं दूसरे कहावे गंगा सफर हरि गुण गावे झूठ सुने ना झूठी बतावे ये गोत्र फल और सूर्य उपासक कुल की रीति हम जाने भजन भाव में दीवाने कहो कुमार तुम आए कहाँ से गंगा सफर वे के लाने भजन भाव में दीवाने हाँ पंडित बोले हैं से आँखें रविदास जी बैठ से आँखें बैठो बीच घाट में आँखें भग जा अंधा जल करो गंधा अपना मोहन दिखलाने भजन भाव में दीवाने कहो कुमार तुम आए कहाँ से गंगा सफर वे के लाने तीरथ बेरत और वेद हमारा तू क्या जाने रे मूर्ख गमारा है आनंद परख नहारा हे रविदास जी सोच रहे हैं पंडित जन क्रोधी जाने गंगा सफर वे के जाने कहो कुमार तुम आए कहाँ से गंगा सफर वे के लाने भजन भाव में दीवाने पंडितों के द्वारा जब रविदास जी को गंगा घाट से भगाया जाने लगा तो कहते हैं हे बोले रविदास जी ज्ञानी बोले रविदास जी ज्ञानी बोले रविदास जी ज्ञानी हे सुन लो पंडित वाणी बोले रविदास जी ज्ञानी बोले रविदास जी ज्ञानी।
मानव जात ये कह जग में, मानव जात ये कह जग में, मानव जात ये कह जग में, सत्पुरुषों की वाणी रविदास जी कहते हैं, हे महाराज, संसार में कर्म ही प्रधान है, ऊंच नीच जग में कोई नहीं है, केवल अधर्मी ही नीच कहलाता है। ईश्वर ने अंडे पिंड स्वेदजा उद्भिजे चार खान बनाई हैं, चाहे कोई भी हो, बिना हरि की भक्ति से उसका कल्याण नहीं होने वाला। रविदास जी की बातें सुनकर विप्र समूह क्रोध भर के तमतमा उठा और कहने लगा, अरे ओ बालक, वृथा गाल मत बजा, अब हम किसी समय देख लेंगे। रविदास जी भी सदगुरु की इच्छा करके गंगा घाट से चल दिए। उन्हें रास्ते में ही एक तपस्वी साधु जी ध्यान लगाए हुए बैठे मिले। रविदास जी ने सिर नवाकर चरणामृत पाकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद साधु जी ने ध्यान छोड़ नेत्र खोले, सामने बालक खड़ा देखा, कहने लगे, बेटा कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो? रविदास जी कहते हैं, बाबा जी अला बेला हो वोहे कर लो जेला, बाबा जी अला बेला हो वोहे कर लो जेला, बाबा जी अला बेला हो वोहे कर लो जेला। हा राहु भक्त हमारे ताता, राहु भक्त हमारे ताता, कर्मा बाई हमारी माता, कर्मा बाई हमारी माता, मैं आओ ऐसे आ केला हो मुह कर लो जेला, आओ ऐसे आ केला हो मुह कर लो जेला, बाबा जी अले बेला हो मुह कर लो जेला। काशी माटोर जन्म हमारा, चरमकार से करें गुजारा, काशी माटोर जन्म हमारा, चरमकार से करें गुजारा, नहीं कोई संग सहेला हो वह कर लो जेला, नहीं कोई संग सहेला हो वह कर लो जेला, बाबा जी अला बेला हो वह कर लो जेला। नाम रविदासा हो अज्ञान नाम रविदासा, गुरु बनाने की अभिलाषा, गुरु बनाने की अभिलाषा, दर्शकों में झेला हो वह कर लो झेला, दर्शकों में झेला हो वह कर लो झेला, बाबा जी अला बेला हो वह कर लो झेला। भौसागर में अटके नैया, भौसागर में अटके नैया, बेना गुरु के कौन खेवैया, बेना गुरु के कौन खेवैया, जब तो पर है झमेला हो वह कर लो जेला, जब तो पर है झमेला हो वह कर लो जेला, बाबा जी अला बेला हो वह कर लो जेला।
आनंद अकेला हो मुहे कर दो चेला, बाबा जी अलावेला हो मुहे कर दो चेला, बाबा जी अलावेला हो मुहे कर दो चेला। रविदास जी के बात सुनकर योगी रामानंद जी बोले, मुझे कोई शिष्य की जरूरत नहीं है, आप अपने घर लौट जाइए, मुझे प्रथा परेशान न करिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें हर बार।